या पॉकेट मनी मांगते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे याद है कि जैसी हमारी आधी छुट्टी होती थी, जिसे हम लंच ब्रेक कहते हैं, हम दौड़ के जाया करते थे। पहले अपना टिफिन कंप्लीट करते थे और फिर दौड़ के कैंटीन वाले के पास पहुंच जाते थे और वहां जाकर हम कुछ ना कुछ उससे खाया करते थे। पर इसको करने के लिए हमें अपनी पॉकेट मनी को हमेशा जोड़ना पड़ता था ताकि हम पैसे जोड़ लें, उसके बाद अपनी मन चाहे चीज़ खा सकते हैं कैंटीन में जाकर। वैसे ही टी टाइम में हम बनाते हैं कुछ रेसिपीज। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सेठी। टी टाइम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। घुघरा, जी हाँ, एक गुजराती स्नैक है जो मीठा है। इसकी खासियत यह है कि इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी। और घुघरा बनाने के लिए मेरे पास एक बोल है। इसके अंदर मैं लेता हूँ 2 कप मैदा और इस मैदे में आप चाहें तो देसी घी या मक्खन, इसको डालकर आप गूंद लें। लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और नमक डालने के बाद हम इसमें डालते हैं मक्खन। मक्खन बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी है ताकि इसे आप अच्छे से गूंद सकें और एक खस्तापन इसमें आ जाए। मक्खन बिल्कुल चिल्ड है, इसलिए इसको हम उंगलियों की सहायता से मिक्स करेंगे मैदे के साथ और एक डो तैयार कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे और मक्खन को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गूंद लेते हैं। एक सख्त सी डो हमने बनानी है, इसलिए 4-5 चम्मच पानी इसमें डलेगा। जैसे गुजरात में इसको घुघरा कहते हैं, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और यकीन मानिए, हर घर की औरत जो इसको बनाती है वो ये सोचती है कि वो सबसे बढ़िया बनाती है, और ये बात सच भी है। और लीजिए जनाब, डो तो हमने बना ली है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं और इसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे पोर्शंस बनाएंगे और बेल लेंगे उनको। लेकिन उससे पहले हमने बनानी है फिलिंग, और फिलिंग के लिए लेते हैं हम ये बोल और इसमें डालते हैं वो तमाम सामान जो बना देगा हमारे घुघरा को बिल्कुल स्पेशल। जिसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ ये बादाम, जिसको हमने कूट लिया है, को थोड़ा सा दरदरा हमने पीस लिया है। बादाम के साथ ही हम ले लेते हैं पिस्ता, इसको भी हमने दरदरा मोटा मोटा कूट लिया है। और साथ ही में ये है मेरे पास काजू, आप चाहें तो इनको मोटा मोटा चॉप कर लें या फिर इस तरह से इसको दरदरा पीस लें। अब इसमें हम डालते हैं खोपरा, ये है सूखा नारियल, और इसको खुशबू देने के लिए हम छोटी इलायची लेंगे, उसको हमने बिल्कुल पीस लिया है फाइन, और इसमें डाल लेते हैं पीसी हुई छोटी इलायची। और मेरे पास है ये खजूर, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब और बिना बीज का, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें मैंने एक चीज़ और डाली है, वो है अंजीर। तो आइए इसको अंदर से और भी मीठा बना लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच चीनी और अच्छे से इसको अब मिला लेते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब बारी आती है जो हमने डो बनाई थी उसके छोटे छोटे पेड़े काट लेते हैं और उनको बेल लेते हैं। तो ये हम साइड में रखते हैं और अब डो को लेते हैं, इसमें से छोटे छोटे हमने पेड़े काटने हैं और हम इस तरह से पेड़े ले लेते हैं और पेड़ों को हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इसकी पूरी शीट बना सकते हैं और उसको फिर आप कटर से काट सकते हैं। तो पहले हम इसको बेल लेते हैं और फिर बारी आती है इसके अंदर फिलिंग डालने की, इसको स्टफ करने की। फिलिंग डालने से पहले हम लेंगे एक मोल्ड। अब मोल्ड आपकी मनपसंद शेप का हो सकता है, कई तरह के मोल्ड बाजार में मिलते हैं, लेकिन ये डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए हम लेंगे इस मोल्ड को और इस बेले हुए हिस्से को हम इसमें रख देंगे और थोड़ा सा इसको दबाते हुए, और जो फिलिंग हमने बनाई है वो इसमें हम डालेंगे। थोड़ी सी फिलिंग डालने के बाद इसके एजेस को हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सूखा पानी लगा सकते हैं और उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद ये सारी एक्स्ट्रा डो हम निकाल लेंगे। सभी डो को निकालने के बाद आइए इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं बाकी के घुघरास भी। पहले इसको हम निकाल लें और इस तरह से हम बना लेते हैं घुघरास, इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। और एक बारी फिर से हम बेली हुई डो से फिलिंग डालेंगे इसके अंदर।
और लीजिए जनाब, सभी घूगरास तो तैयार हो गए हैं और आम तौर पर हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक ये सुनहरी हो जाएं और पक जाएं, लेकिन आज हम इसको डालेंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो आइए इन्हें अरेंज कर लेते हैं हम एक बेकिंग ट्रे में, और उसके बाद इसे हम मिल्क वॉश करेंगे। मिल्क वॉश का मतलब है कि हम दूध इसके ऊपर थोड़ा सा कोट करेंगे ब्रश के द्वारा। और सभी घुघरास को हमने मिल्क वॉश कर लिया, और अब बारी आती है इसको पहले से गर्म ओवन में बेक करने की। हमने ओवन को पहले ही 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया हुआ है। इसको लगेंगे 30 से 35 मिनट और ये बेक होकर तैयार हो जाएंगे। तो आइए इसे हम ओवन में डालते हैं बेक होने के लिए। थोड़े से गर्म है लेकिन मैं इन्हें गर्मा गर्म ही खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें निकाल लेता हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि इसको खाने का एक तरीका है, एक तरीका तो यह है जैसे मेरी माँ किया करती थी कि बना कर रख लेती थी और हमें सरप्राइज़ देती थी कि जब ये बच्चे घर आएंगे तो इनके सामने मैं एकदम से रख दूँगी और फिर इनका मज़ा देखेंगे कि कैसे वो खाते हैं। ऐसी रेसिपी जो सदियों से आप अपनी माँ से या दादी से या नानी से सुनते आए हैं, बनवाते आए हैं, देखते आए हैं और खाते भी आए हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको खाने के बारे में, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ बनाने के बारे में।